तो सवाल है कि टिजारिस्ट पावर जो थी रशिया की, वो कब कोलैप्स हो गई थी, या फिर उसकी जो पावर थी वो कब खत्म हुई थी? 1917 में हम देखते हैं कि जब रशियन रेवोल्यूशन शुरू हुआ, उसी के साथ ही टिजारिस्ट की पावर, है ना, या फिर जो किंग था रशिया का, रशियन एम्पायर का, उसकी पावर खत्म हो गई। और रशिया के अंदर फिर आप देखते हैं कि कुछ टाइम के लिए एक गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है, और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि बोल्शेविक लोग जो थे वो आकर कंट्री को चलाते हैं। लेकिन टिजारिस्ट की जो पावर थी वो 1917 में रशियन रेवोल्यूशन के शुरू होते ही खत्म हो गई थी।